बारिश के मौसम में किसे नहीं खाने का मन करता है, पकौड़ा। पकौड़ा तो हम आप लोगों के बहुत तरह से रेसिपी दे चुके हैं, पर आज क्या है ना कि हमारे घर में कोई भी नहीं है और अकेले हैं, और हमें मन कर गया कि पकौड़ा खाए। पकौड़े के साथ अगर एक कप चाय मिल जाए तो क्या बात है। तो पकौड़ा के लिए यहाँ पे हमारे पास मीडियम ही आलू चार गो थे, तो चार आलू को छिलका उतार के ले लिए। चलिए वीडियो को देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहीं से शुरू कर लेते हैं। चार आलू को हम छिलका उतार लिए हैं। अब बड़े बड़े आलू नहीं थे तो कोई बात नहीं, इनका और अच्छा मजेदार हम रेसिपी बनाएंगे। तो चार आलू को हम क्या करेंगे ना, निकाल लेते हैं सीधे चॉपिंग बोर्ड पे। इस तरह से पानी को रहने देंगे क्योंकि आलू हम धो करके लिए थे। अब आलू को हाथों से लेंगे, इसलिए हाथों पे ले रहे हैं कि हम मोटे मोटे पीस में यहाँ पे आलू को कट करेंगे। देखिए इतना मोटा मोटा आलू, मतलब लगभग एक फारा किए ना, इनमें लगभग चार पीस बनाएंगे। ये देखिए चार पीस। तो इस तरह से आलू को हम कट करेंगे। आलू को कट करते करते आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इसी रेसिपी को आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर अगर देख रहे हैं, तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जो कि आप लोग देख करके प्लीज़ फॉलो कर ले, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आलू को हम कट कर लेते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से ये आलू कट हो जाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू का फ्रेंच फ्राई, मतलब आलू प्याज का फ्रेंच फ्राई पकौड़ा बनाएंगे हम। जैसे मन हो, अपना खुद का खाना है तो जैसे मन हो वैसे बना लेना है। भाई बाहर से तो हम खाएंगे नहीं, घर में ही खाएंगे। बारिश के दिन में जितना हो बच सकते हैं आप तो बच लीजिए और घर के ही खाइए। तो आलू को यहाँ पे ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे एक टावल, और टावल में हम अच्छे से आलू को ले लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में मतलब रख सकते हैं। हम आलू का पानी यहाँ पे अच्छे से पोंछ लेते हैं, जिस तरह से फ्रेंच फ्राई बनते हैं ना उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरह से पोंछ लेंगे। यहाँ पर इस तरह से आलू को पानी सब उठा लिए हैं। देखिए एकदम आलू का पानी सब निकल गया है। तो हमें फ्रेंच फ्राई नहीं बनाना है। आप चाहे तो और क्रिस्पी चाहिए तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए एकदम पानी नहीं है, तो इसीलिए हम बोले थे कि कॉटन वाले कपड़े से पोछिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर तो आलू कट कर लिए, आलू भी धो लिए, पोंछ भी लिए, सुखा लिए। आप लोगों से तो रिक्वेस्ट दोबारा करना भूल ही गए, याद माइंड में ही नहीं था। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। और इस तरह से पकौड़ा आप भी घर में बना के खाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ। और हाँ, इसी रेसिपी को अगर आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, तो इसका इसी वीडियो में लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग देखिएगा और वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए यहाँ पे इनको हम सुखा ही लिए, हम आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया दो बड़े प्याज। अब बोलिएगा आलू तो छोटा था, तो आलू हमारा मीडियम था, इसीलिए यहाँ पे दो बड़े प्याज लिए। प्याज का हम छिलका उतार लिए हैं। अब प्याज को कैसे कट करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो प्याज को यहाँ पे पहले हम दो भागों में बांट लेते हैं। और प्याज को आपको देखिए ध्यान से देखिए, एकदम पतले स्लाइस में आपको प्याज को कट करना है, एकदम पतले पतले। इस तरह से देखिए एकदम इतना पतला पतला, जितना पतला हो सके उतना पतला आप कट कर सकिए। हो सके तो बड़ा प्याज है तो आप बीच से करिए, लेकिन हमारा स्लाइस जो है लंबा लच्छा वाला ना, वो छोटे हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको प्याज को लच्छेदार कट करना है। देखिए इसी तरह से यहाँ पे सारे प्याज को हम कट कर लिए हैं। अब हम एक सर्विंग बाउल में प्याज को ले लेते हैं, सारे प्याज को ले लेते हैं। यहाँ पे प्याज लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनका सारा मतलब पंखुड़ी खोल लेंगे। सबसे पहले खोलना है इनका काम, अच्छे से सारे पंखुड़ी को एकदम एक एक पंखुड़ी को खोल लेना है। सारे प्याज के पंखुड़ी हम अच्छे से देखिए खोल लिए हैं, एकदम एकदम बारीक बारीक अलग अलग खुल गए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे हम हरी मिर्च, ये बड़े बड़े हरी मिर्च देखिए। और बस भगवान इतना खुश हो गए हैं कि आप लोग देखना चाहेंगे, हमारा प्याज का मुंह खोलते हुए ही बारिश हो गया। चलिए बारिश दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि प्याज काटते काटते कितना बढ़िया से बारिश आ गया। बोले ना एकदम उमस सुबह से किए हुए हैं, उमस किए हुए हुए हमें अकेले थे तो हमें मन कर गया कि पकौड़ा खाए, और पकौड़ा का आनंद तो और मिल गया, बारिश हो गए। चलिए फिर से मिर्ची को काट लेते हैं। देखिए
और मन खुश हो गया कि चलिए अकेले हैं घर में, एंजॉय अच्छे से करेंगे। कि उधर बारिश हो रही है और पकौड़ा खाने का बात ही अलग है, एक कप चाय मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए यहाँ बातें करते करते मिर्ची को तो हम कट कर लिए हैं, अब मिर्ची को हम लिए हैं थोड़ा ज़्यादा, 4-5 मिर्ची लिए हैं और इनको यही लच्छे के आकार में हम मिर्ची को कट किए हैं। इसी प्याज में मिर्ची को ले लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे थोड़ी सी 1/2 इंच अदरक ग्रेटेड और इसी में हम नींबू को निचोड़ लेंगे। देखिए बीज नहीं है, बीज को हम पहले निकाल लिए थे। एकदम अच्छे से नींबू को निचोड़ लेना है बढ़िया से। मिर्ची अदरक ले लिए हैं, अब हम लेंगे यहाँ पे क्रिस्पी के लिए और देखने में खूबसूरत भी लगते हैं, तो 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद वाली तिल, इसी में लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। और आज हम अकेले हैं तो पकौड़ा भाई अकेले जैसा ही बनाएंगे, एकदम आनंद वाले। यहाँ पे कसूरी मेथी ले लेंगे बस थोड़ी सी, ये घर का है, आप लोग बोलिएगा तो अगले ठंडे में, मतलब आने वाले ठंडे में हम आपको दिखाएंगे बना करके कि कैसे घर में आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ ले लिए इनको। यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच से कम हम लेंगे थोड़ी सी साबुत धनिया, बोलिएगा ये साबुत धनिया मैम, हाँ इसी से हमारा रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, बेसिक मसाला लेंगे, और अब लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो बोलिएगा फिर से कि धनिया पाउडर एक बार मेरे तरह से बना करके देखिए। अब यहाँ सबसे कम लेने वाले हैं हम 2 चुटकी के बड़ी काली मिर्च पाउडर। अब लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच, मतलब 1 छोटा चम्मच लेंगे हम कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, इनको ले लिया। अब लेंगे हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर भी हम यहाँ ले लेंगे 1/2 छोटा चम्मच कलर के लिए। अब बेसिक मसाला तीन में हम ले लिए हैं, अब हम एक कप लेंगे और कप में हम लेंगे 1 कप बेसन। अब बेसन हम 1 कप नाप के ले लेंगे, माप में मतलब जितना लग जाए। तो देखिए यहाँ पे बेसन को हम 1 कप भर के लेंगे। अब लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, जितना आप खाते हो उस हिसाब से नमक ले लीजिएगा। तो कच्चा आलू भी है तो इसीलिए हम करीब करीब 1/2 छोटा चम्मच नमक लिए हैं। यहाँ पर लेंगे 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया ले लेते हैं, और अब हम लेंगे इनमें करीब 1 चम्मच के करीब सरसों तेल। अब बोलिएगा तेल क्यों मैम, तो इसका भी हम टिप्स बताते हैं। तेल से क्या होगा, एक तो हमको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, दूसरा तेल से और शाइनिंग और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे ले लिए हैं, अब हम क्या करेंगे ना थोड़ा थोड़ा बेसन लेते जाएंगे, इस तरह से मिलाते जाएंगे बेसन। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा पानी का छीटा हम लेंगे, 1 कटोरी पानी लिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी का मतलब 1 से 2 चम्मच पानी लिए हैं, और इसमें हमें मैश करना है, अच्छे से मिलाना है। 1 कप बेसन में यहाँ पे करीब करीब 2 बड़ा चम्मच बेसन अभी बच गए हैं, देख लेते हैं अगर लगेंगे तो लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे इनमें कि जो आलू को हम कट करके लिए थे ना, अब इनको भी ले लेंगे। आलू एकदम से ड्राई है तो आलू और प्याज को अच्छे से मसाला को मिला लेना है हमें, अब बेसन हमारा है ही तो आलू के साथ मिला के देख लेते हैं। यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा बेसन कम लग रहा है, तो 2 चम्मच जो बेसन है ना इनको भी हम ले लेते हैं, लेकिन पानी मत लीजिएगा, अब बस 2 ही चम्मच पानी लेना है। अब हम सबको अच्छे से मिला लिए हैं, अभी हमको रेस्ट पे नहीं रखना है, पर ढक देते हैं अभी और चलिए हम गैस के पास चलते हैं। यहाँ पे हम ले लिए हैं दूध, तो हमारे यहाँ दूध भाई अभी फिलहाल गाय वाला दूध है, तो यहाँ पे चाय के लिए हम दूध ले लेते हैं। तो ज़्यादा दूध नहीं लेंगे, बस थोड़ा ही सा, मतलब चाय बराबर हम दूध लेंगे, जो कि पक करके दूध कम से कम इतना हो जाए। तो यहाँ पे ले लिए हैं सॉस पैन, सॉस पैन में हम लेंगे दूध, अब इनको गैस पे चढ़ा देते हैं। तो हम लोग घर में जनरली चाय बनाते हैं तो स्लिप पे ही इस तरह से अदरक को कूच लिए, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम दूध में पहले अदरक डालेंगे तो दूध फटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। आज आप लोग के सामने इस तरह से चाय हम बना करके दिखाते हैं। यहाँ पे गैस कर लेते हैं ऑन, गैस ऑन करके हम पैन को चढ़ाएंगे। इसमें लेंगे हम 1 चम्मच चीनी, ज़्यादा चीनी नहीं लेंगे, और चाय पत्ती ले लेते हैं भाई, लेजी मतलब अकेलेपन में आदमी लेजी ज़्यादा होता है, तो बस चीनी पत्ती अदरक सब ले लिया। अब इनको उबाल आने देते हैं, तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पे कि गैस दूसरा वाला ऑन करेंगे, यहाँ बड़ा वाला देखिए, और ऑन करके ले लेते हैं पैन में तेल, तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गए हैं, अब हम बैटर ले आते हैं, मतलब पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे ले आए हैं। तो एक बार इनको अच्छे से मिला दीजिए बढ़िया से, और देखिए ये जो फ्रेंच फ्राई हम आलू काटे थे ना, इनको हम क्या करेंगे कि इस तरह से लपेटेंगे पूरा बैटर में अच्छे से, आप देखते रहिए पूरा वीडियो अच्छे से। तो यहाँ पे तेल में ले लेंगे, इसी तरह से दूसरा बैटर भी हम मतलब लेंगे, इस तरह से देखिए इसी तरह से बना लेंगे, जितना तेल में आए उतना हम ले लिए हैं। अब इनको थोड़ी देर बाद हम पलटेंगे।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बाकी तैयार हुए हैं ना, इनको हम उलट पुलट इस तरह से कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ब्राउन ब्राउन बन रहे हैं। इसी तरह से सबको हम उलट पुलट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाकी पकौड़ा मेरा, मतलब बाकी नहीं, यही पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, ऐसा कभी सुने ना कि प्याज का पकौड़ा अलग, आलू का पकौड़ा अलग, मिर्ची का पकौड़ा अलग? ये हमारे हस्बैंड जी है ना, जो मिर्ची का पकौड़ा बहुत चाज से खाते, तो अभी है नहीं, और दरवाजे पे हमारे लगता है कोई खटखट कर रहे हैं, शायद आ भी सकते हैं, लेकिन उनको मिर्ची के पकौड़ा बहुत पसंद है। तो आज हम बना ही नहीं है, हम सब एक साथ बना दिए हैं, सबको हम ले लेंगे तेल से बाहर। तो हम यहाँ पे सबको मतलब निकाल लिए तेल से बाहर, बाकी जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं हमारा, उनको भी हम बना लेते हैं सेम इसी तरह से। तो देखिए सेम उसी तरह से हम बनाएंगे, मतलब फ्रेंच फ्राई लेते हुए हमको बनाना है। तो इस तरह से लेंगे और इनमें बस इस तरह से डाल देना है, इसी तरह से सबको ले लेंगे। यहाँ पे सेकंड बैच फ्राई होते होते चाय भी हमारा अच्छे से उबाल आ गया है, तो चलिए चाय को भी हम डाल लेते हैं। चलिए चाय को हम यहाँ पे छान लेते हैं, एकदम बस सेम जितना बताई थी ना उतना ही चाय हम बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा चाय तो हम पीते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा च्वाइस हुआ तो चाय को हम ले लेते हैं। अब हम पकौड़ा देख लेते हैं। चाय छानते छानते यहाँ पर हमारा पकौड़ा भाई सब भी हो गए हैं, तो चलिए इनको भी बाहर ले लेते हैं तेल से। अरे पकौड़ा छन कर तैयार हो गए हैं, चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो यहाँ पे पकौड़ा तैयार है, तो भाई इनको चलिए सबसे पहले सर्व करते हैं। एक थाली में हम सर्व कर लिए हैं और बस क्या बात है, एकदम एक एक पकौड़ा हमें अब भी लग रहा है तुरंत के तुरंत खा ले। तो हम चाय के लिए पकौड़ा को क्या करेंगे कि प्लेट में ले लेते हैं, हमें जितना खाना है उतना, बाकी आएंगे लोग ना तो खाएंगे। यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक, उनको तो बिना चाय का ही चलता है। और हाँ, यहाँ पे ले लिए है चाय, हम चाय के साथ खुद खाएंगे। और हाँ, यह हम तो चाय के साथ सर्व कर लिए हैं, हमारे बच्चों का क्या, तो बच्चों को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। देखिए कितना बढ़िया से हमारा बने हैं, मतलब पकौड़ा बने हैं। और अब देखिए एक एक फ्रेंच फ्राई आपको एकदम, आपको दिख ही रहा होगा, देखिए कितना बढ़िया से दिख रहे हैं ना, वाह क्या बात है। बहुत गर्म है, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना चाय वाला, मतलब पकौड़ा चाय। देखिए कितना मज़े की बात है ना, बारिश के मौसम में चाय पकौड़ा से इंजॉय कीजिए, मेरी तरह से बनाइए, इंजॉय कीजिए पूरा फैमिली फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी पकौड़ा खा लेते हैं तब आपसे बात करेंगे। यम्मी, आप भी बनाइए। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।